गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। मैं हूँ रुचि। और कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ फीमेल इंटीमेट हाइजीन के बारे में। तो गाइस, आज जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, इस टॉपिक पे बात करने में आज के टाइम में भी काफ़ी सारी लेडीज़ गर्ल्स शर्माती है, बात नहीं करना चाहती है। और मैं बात कर रही हूँ आज पीरियड हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हैं, पीरियड के दौरान कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्योंकि पीरियड के दौरान दो तीन चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली लोगों को पैड यूज़ करने आता है, पैड यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो पूरे दिन मतलब परेशान रहते हैं, इरिटेशन रहती है उनको, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, और जो हम स्किन्स होती है प्राइवेट पार्ट्स की, वो ब्लैक हो जाता है, खुजली होती है, और स्मेलिंग की प्रॉब्लम रहती है। उसके कारण पूरे दिन फील फ्रेश नहीं कर पाते हैं, अपने मन पसंदीदार गेम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लाइक डांस, जिम, स्विमिंग और काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं वो, या फिर हाउसवाइफ की बात करते हैं यहाँ पे, कि मतलब फील फ्रेश होता ही नहीं है, पूरे दिन हमें टेंशन रहती है दाग लगने की। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि पैड के अलावा भी आप पीरियड के दौरान क्या यूज़ कर सकते हैं जो कि सेफ़ होगा और आपको इन चीज़ों से छुटकारा देने में हेल्प करेगा। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था, जब से मुझे पता चला मेरी थिंक बदल गई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब राहत, और मैं फील फ्रेश करती हूँ और खुश रहती हूँ पीरियड के दौरान भी, बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो गाइस, मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप पीरियड में पैड लगाने के अलावा भी क्या लगा सकते हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर, तो पैड के अलावा यूज़ कर सकते हैं आप एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप, जो कि साइज़ एल साइज़ में है, और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं ये सब मैं बताने वाली हूँ आपको। और ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आती है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। और कैसे यूज़ करना है, सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, लोग यही समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं बट यूज़ नहीं करते हैं, उनको थोड़ी सी लगता है कि कैसे यूज़ करना है, समझ नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे यूज़ करना है और आप कैसे साइज़ का पता कर सकते हैं। इसमें दो साइज़ अवेलेबल है, स्मॉल और एक लार्ज साइज़ अवेलेबल है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होके आता है, और मैंने इसको ओपन करके यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद आपको कैसे रखना है, कैसे क्लीन करना है इसको, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसकी ये पैकेजिंग देखिए, क्यूट सी पैकेजिंग होती है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो इस कप को आराम से इसमें रख के ले जा सकते हैं। इससे ना अच्छा फील मतलब अच्छा लगता है, अगर सपोज़ कहीं पे गिर भी जाता है तो और फील नहीं होता है। बस इसको इस तरीके से रख देना है, आपको यूज़ करने के बाद इसको वॉश करके सेम उसी बैग में रख के रख देना है। तो कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हैं, ये एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप है। इसको यूज़ कैसे करना है, आप सिंपली इसको इस तरीके से पकड़ना है और अपनी वजाइना में इंसर्ट करना है, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करना है, और आपको धीरे से इंसर्ट कर देना है, उसके बाद उसको क्लीन कर देना है। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देख सकते हैं साइड में मैं इसके वो लगा रही हूँ पिक, वो भी आप देखते रहिएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे प्लस पॉइंट ये लगी है ना, अकॉर्डिंग पैड की, पैड में जो स्मेलिंग की रहती है ना प्रॉब्लम, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आ सकता है कहीं से भी, स्मेलिंग की कोई भी दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये एवरटीन का है मेंस्ट्रुअल कप, जो कि आप इसको 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, रियली 10 साल तक, क्योंकि पैड तो हम लाते हैं 4 घंटा यूज़ करते हैं और उसको हमें फेंकना पड़ता है, और ये आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं एक बार परचेज करने के बाद। और ये लीक फ्री है, ये लीक होने का कोई चांसेस नहीं है, ये आपको 12 घंटे तक प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइनेस फील नहीं होगा, डिसकम्फर्टेबल नहीं होगा, और ये इसमें स्मेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, एक इसमें पैम्पलेट्स आता है जिसमें आपको सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का है ये पैम्पलेट्स, देख सकते हैं आप कैसे इसको इंसर्ट करना है, कैसे लगाना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कैसे वॉश करना है इसको ये भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, मैं साइड में एक लगा दूंगी पिक, आप लोग देख लीजिएगा। इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि ये बना कैसे है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये बना है फ्लेक्सिबल सिलिकॉन ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है। इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी लगाने के बाद, कोई भी स्मेल नहीं होगी, लीक होने का कोई चांसेस नहीं है, और आप अपने मन पसंदीदार गेम, डांस, कुछ भी अपना परफॉर्म कर सकते हैं इसलिए। इवन आप स्विमिंग करते टाइम भी इसको लगा के स्विमिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको वॉश कैसे करना है। तो इसको वॉश करने के लिए अगेन मैंने एवरटीन का
ये मंगवाया है, देख सकते हैं एवेटीन का मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर है। इससे मैं क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना अंदर के साइड थोड़ा सा गिर भी गया, यहाँ पे भी सेम किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसको, ये भी लिखा हुआ है। और साथ में आपको क्लीन करने के लिए ये दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, किस तरीके से क्लीन करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हैं, ये भी एवरटीन का ही है। और बात करते हैं, ये 200 ml का है और इसकी MRP की बात करें, ये मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर की बात कर रही हूँ मैं MRP की, ये 360 रुपये की है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसको कैसे क्लीन करना है, ये डालना है आपको और इस तरीके से आपको ये इस तरीके से आपको क्लीन करना है। तो इससे क्या होगा ना कि अंदर तक अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ मेंस्ट्रुअल कप की, MRP की बात कर लेते हैं क्योंकि MRP नहीं बताई है मैं आप लोगों को। ये है 455 रुपीज़, मतलब 455 रुपये का है, जो कि आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं इसको वॉश करके। तो ये मैंने लिया है एवरटीन का, फेमिना पावर ब्रांड का है। आप लेना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ, डीपली दिखा देती हूँ। तो आप ये दोनों ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को। तो ये देखिए, ये मैं पूरा आप लोगों के साथ ओपन करके मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, एवरटीन का है, ये मेंस्ट्रुअल कप है ये, जो कि 12 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करता है, pH को बैलेंस रखता है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और बात करते हैं यहाँ पे, इसमें अगर आप ये मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते हैं तो इससे आपको कोई भी इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं होता है और इरिटेशन नहीं होती है, और ये 100% सेफ है। आँख बंद करके हम ट्रश कर सकते हैं एवरटीन पे। ये वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मुझे बेनिफिट्स लगता है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर जिसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं, ये 99% जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है, जो जब हम क्लीन करते हैं मेंस्ट्रुअल कप को। ये नेचुरल है, pH बैलेंस करके रखता है, 200 ml में आता है ये। बाकी इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से, हाउ टू वॉश योर मेंस्ट्रुअल कप, किस तरीके से आप वॉश कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप दिखाया हुआ है, सेकेंड स्टेप दिखाया हुआ है, 3 स्टेप दिखाया हुआ है, 4 में दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से एक आप यहाँ पे देख के यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से वॉश करना है, वो भी कर सकते हैं। और ये रहा मेंस्ट्रुअल कप, जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट्स लगा है। तो होप्स कि आप लोगों को पसंद आया हो ये वाला वीडियो। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि स्मॉल साइज़ लेना है या फिर लार्ज लेना है। तो इसमें देखिए सिंपल सी है, जो कि अनमैरिड गर्ल्स हैं वो स्मॉल साइज़ ले और जो मैरिड हैं वो एल साइज़ ले। तो आप या तो सेकंड आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं अपनी फिंगर टेस्ट से, अगर 1 फिंगर आता है तो आप स्मॉल ले, 2 फिंगर से आप लार्ज साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पे होप्स हो कि आप लोगों को सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया हो, आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे, ये दोनों ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो क्रिटिक लगा हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।